आई एम ए प्रैक्टिसिंग सर्जन एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम आई हैड अंडरगॉन एन हार्ट सर्जरी अबाउट 1.5 ईयर बैक. इट वॉज ऑल एक्सीडेंटल और सडनली जैसे कोई चीज गिर पड़ती है वैसे एकदम आई और बॉम्बे एक रूटीन चेकअप के लिए गया था. वहां पे मेरा ऑपरेशन हो गया. ये सडनली जब सर्जरी होने के बाद सबसे पहले आई वेंट इन टू ए शॉक कि मेरे साथ क्यों हुआ. और उससे भी बुरा ये हुआ कि मुझे टैबलेट्स बहुत ज्यादा खानी पड़ी और वो शायद मेरे शरीर के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं ले तो रहा हूँ पर समहाउ आई वॉज नॉट कंफर्टेबल. मेरा बीपी भी करीब करीब इस सर्जरी के पहले 140 और 150 100 के बीच में रहता था. बट आई यूज टू मैनेज वेल. वॉट आई एक्सपीरियंस्ड वॉज ए सडन लॉस ऑफ स्टेमिना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. ऐसा लगता था कि बस चल रही है गाड़ी, खींच रही है. जबकि डॉक्टर्स बोलते थे, मेरे कलीग्स ही थे, वो मेरा क्लास फेलो था जिसने ऑपरेट किया था, तो वो बोला बोले यार अब तो नया इंजन लग गया है, 20 साल तक तो देखना नहीं है. बट समहाउ कोई उत्साह नहीं आ रहा था और आई डिड नॉट फाइंड वेरी मच कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ एंड विथ माई लाइफ. काम धीरे धीरे वापस अपने पेस में आया, धीरे धीरे काम करना भी चालू किया. पर एक बात पक्की थी कि वीकनेस पार्ट, डल, लैसिट्यूड, किसी भी काम में मन नहीं लगना और बस ऐसे ही गाड़ी खींच रही थी. और समहाउ मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे आज तक दवाई खानी नहीं पड़ी और मुझे जबरदस्ती दवाइयां खानी पड़ रही है. दैट वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट. और बिल्कुल एक्सीडेंटली एक जो आदत रहती है मोबाइल चलाने की, उसी में से मुझे ये आपका जो साइट है वो देखने को मिली. एंड थोड़ा सा उसको देखा और पता नहीं भीतर से किसी ने क्लिक किया कि शायद ये मेरे लिए सही है. मुझे कभी भी रात को एक प्रोस्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है ये बिल्कुल नहीं था. मतलब रात को मैं एक बार सोता था, अर्ली मॉर्निंग उठता था. इस सर्जरी के बाद मुझे करीब करीब 7-8 बार उठना पड़ा. डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा प्रोस्टेट हो गया है, प्रोस्टेट की दवा लो. मैं खुद भी सर्जन हूं, मैं समझता हूँ, पर मुझे पता था मुझे प्रोस्टेट नहीं है. एंड आई वॉज नोइंग कि ये सब चीजें मुझे ड्रग्स के साथ हो रही है. पर धीरे धीरे इस प्रोसेस से जब निकला तो वो भी फ्रीक्वेंसी अब कम हो गई है. तो दो तीन चीजें हुई कि मेरी थकान जब से सफर चालू हुआ है, पर आज अगर मैं पूछूं तो मेरी थकान बहुत बहुत ज्यादा हद तक कम हो गई है. मैं दिन भर एनर्जेटिक फील करता हूँ, काम भी करता हूँ. दोपहर को मुझे थोड़ी सी पहले भी लेटने की आदत थी, छोटा सा नैप लेता था. इस सर्जरी के बाद तो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक लेटता था, ऐसा लगता था पड़े ही रहो. वो चीज अब खत्म हो गई है. और अभी जो नाइट का जो लास्ट सेशन होता है जिसमें हम लोग 8:16 के रेशो से सोने के पहले करते हैं, तो उसके बाद भी ऐसा लगता है कि पूरा दिन अपना अच्छा गया है. और थैंक्स ईश्वर को जैसे देते हैं वैसे स्वामी जी को और आपकी पूरी टीम को देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंडिविजुअली पर्सनली हम लोगों पे मेहनत करी है.